ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪੇ ਪਾਲਤੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मंजी ते पा लें जी लॉन का कपड़ा काटन का खिला लें। हम जी मैं धुप्पे पालते ते ये अच्छी तरह जल्दी सुख जाएंगे अगला फिर मरहला फिर अगे शुरू करांगे फिर तुहाडे नाल शेयर करांगे। घंटे वास्ते जी इन्हों मैं चार बजे पाया तो यह पानी अच्छी तरीके खुश्क हो गया और मिर्चा मैं दरम्यान तो चीरा दे लिया इस तरह हो गई सारिया मिर्चा इस चक्कर वेखो जी इस तरह चीरा दे के मिर्चा मैं इस तरह कर लिया। हूँ जी असि जे अंब ने ना सारे इस तरह मैं तड़की पा लें जी एक बर्तन नमक ते हल्दी है ते ये तकरीबन अंब दे साढ़े छे किलो और तकरीबन तीन पाओ नमक ते एक चटाकी हल्दी है ते ये नमक और हल्दी तुसी अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हो ते इहनूं जी असीं इहदे विच मिक्स कर लैने आ। वेखो जी इस तरह करन नाल सारे जिहड़े अंब ने उहनां दे विच अच्छे तरीके नाल नमक ते हल्दी जिहड़ी है वह मिक्स हो गई है। वेखो जी ए वेख सकते हो फिर भी असी इन्हां नूं मजीद हाथ दे नाल इस तरह मिक्स कर लैने ताकि अच्छी तरह जिहड़ा ना इन्हां नाल नमक जिहड़ा चिपक जाए। अच्छा जी जदों ये नमक ते हल्दी विच अच्छी तरह मिक्स हो गई है ते हुण चाहे तुसी इहदे विच पा के ते ढक्कन बंद करके ते तुसी इहनूं रख दिओ। मैं वैसे इस तरह करन लगी हां कि इह छानना है जिहदे नाल असीं गंदम साफ करने आ मैं इहदे विच रखन लगी हां फिर मैं तुहानूं अगे दस्सदी हां कि इहदा की करना है। वेखो जी जिहड़ा नमक ते हल्दी बचा सी उह वी मैं इहदे उत्ते छिड़क दित्ता है इहनूं असीं हुण इक पासे कर लैने आ। हुण जी असीं इहदे जी मिर्चां शामिल कर लैने आ ये दो किलो मिर्चा ने छे किलो अंब हल्दी तकरीबन तीन कु चम्मच हल्दी है जी तो नाल ही असीं पा लैने जी नमक टोकरी दे विच टोकरी जरा छोटी है मेरे को लेकिन चलो अल्लाह मदद करेगा। हुण इस छानने नूं जी मैं इस दाबड़े दे विच रख देनी आ ताकि जिहड़ा पानी निकले वह इहदे विच रहे थले ना वगे क्योंकि थले वगदा रहेगा तो वह फर्श के उत्ते गंद भी पाएगा इस वास्ते मैं इहदे विच रख लैनी आ और ये जिहड़ियां मिर्चां वाली टोकरी है वह मैं इस परात दे विच रख लैनी आ ताकि पानी निकले तो इहदे विच रहे ते थले ना वगे ते इहनां नूं जी असीं शाम तक इस तरह रखना शाम तो बाद फिर इन्हां नूं थोड़ा पलट के पूरी रात असीं इन्हां नूं रख देंगे तो फिर अगला जिहड़ा मरहला वह कल शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आज हो गया दूसरा दिन इस वास्ते सलाम दोबारा ले रहे हैं तुहाडे नाल ते अज्ज असीं अचार की रेसिपी जिहड़ी दोबारा अगे बनाने
और इन्हें मिट्टी के बर्तन धो के रख लिया सन जिन्हों के मैं अचार पाना है तो हम इन्होंने चुक लिया तो अचार वाली जगह से लै जाने जी। माशाल्लाह जी ए कल जो नमक से हल्दी मिक्स करके रखी सी चुक के वेख लें कि किन्ना कु पानी निकले। देखो जी 24 घंटे हो गए ने ते मैं एक दो बार पहला नहीं वेख्या सी लेकिन पानी दे कतरे डिगदे सन पे ते हुण कोई कतरा नहीं डिग रहा। इस वास्ते जी हुण समझो कि चार जिहड़ा साडा एम जिहड़े ने अचार वास्ते बिलकुल तैयार ने हुण असीं तेल पा देंगे ते अचार नूं कोई खतरा नहीं ते साल तो ज्यादा टाइम भी तुहाडा महफूज रहेगा कोई परेशानी नहीं। ते वेखो जी ए तकरीबन अद्धा किलो पानी निकला है 6 किलो अम सन आम च मिर्चा असीं कट्ठियां पा लैने जी खुले बर्तन दे विच बिस्मिल्लाह। मिर्चा ते अंब दोनों ने ते हुण जी असीं इहदे च पा दिंदे आं मसाला। इहदे विच ने जी मेथरे ते कलौंजी ते सौंफ हुण मैं विच इह शामिल कर लाँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुण जी पा लैणी आं विच सरसों दा तेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल जी सारा फिलहाल थले तुर गया ते थोड़ी देर तक इन सारे मिक्स कर लें ते थोड़ी देर तक इंशाला ये उपर आ जाएगा। ते अचार इस तरह ही होना चाहिए कि तेल च ना डुबे होना चाहिए ते मतलब जोड़ा भी आम या मिर्चा जो भी तुसी पाया ना वो तेल च डुबे होने चाहिए ने ते फिर कदे अचार खराब नहीं होने। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ मैं सोचा जी कुछ चार दिन ना मिट्टी के बर्तन च लैदा रख लें क्योंकि बच्चे खोलते हैं बार बार तो कोई भी मसला हो सकता है किसी वक्त बच्चों को कोई पानी की छट भी बह सकती है जिंद वजह ना अचार खराब हो सकता है तो मैं क्या इन्होंने दो जगह पर रख लें ताकि वैसे कभी इंज होया तो नहीं बच्चे समझदार ने माशाल्लाह लेकिन मैं क्या एहतियात अच्छी होती है। लो जी माशाल्लाह ये अली तेल नहीं शामिल किया ये बाद सानू किधरों तोहफा ही मिले अंबा का असं इनू भी पा दिता लेकिन यह पानी असं उतारना उतार के फिर अस बाद तेल वगैरह शामिल करेंगे तो ये तेल शामिल कर दिया जी। तो यह वेखो जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी चार साडा मुकम्मल हो गया तो तुम बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चार तेल घट ना आए हाले तो तेल थोड़ा नज़र नहीं आ रहा तेल थले चला गया थोड़ी देर बाद तेल जो उपर आ जाएगा। तो ये मैं एक चम्मच पीसा या गर्म मसाला भी शामिल किया है वो थोड़ी अपनी मर्जी है जी तुम शामिल करो या ना करो तो ये नाल जी तुम सू इजाजत दियो बस तुम इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तेल घट ना हो अगर तेल घट लगे तो तुम और शामिल कर लो तो ये इजाजत चाहते जी थोड़े को। अल्लाह हाफिज़।